बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज हमारी पहली क्लास है और जब आप प्रोफेशनल बेकरी प्रोफेशनल पेस्ट्री शेफ़ बनने का कोर्स स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले जिस चीज़ का पता होना चाहिए वो है थ्योरी, और दूसरा आपने किस तरीके से बेकिंग, किन इक्विपमेंट को यूज़ करके, किन यूटेंसल्स और टूल्स को यूज़ करके बेकिंग करनी है। तो ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, जो इस वक्त टेबल पर मैंने चीज़ें रखी हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा यूटेंसल्स और इक्विपमेंट है कि एक साथ नहीं दिखा सकती, इसलिए दो से तीन सेपरेट वीडियोज़ में मैंने क्लासेस बना दी हैं कि हर एक तरह का जो है वो जो यूटेंसल्स हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकूं, ताकि जब हम इन चीज़ों से काम करें तो आपको पता चल जाए कि कौन सी चीज़ को हमने किस काम में यूज़ किया है। तो अल्लाह के नाम से आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बहुत सी थ्योरी में मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हैं, बहुत सी ऐसी होंगी जो थ्योरी में नहीं पढ़ाई, वो सिर्फ़ एक ओवरव्यू होता है कि आपको चीज़ों का बता दिया जाए। जो मेन चीज़ है वो ये आज की ये वाली क्लास है, जिसमें आपको मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि जितने इस वक्त मैं यूज़ करती हूँ अपने काम में, प्रोफेशनल जो मैं अपना ऑनलाइन बिज़नेस करती हूँ या स्टूडेंट्स को यहाँ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देती हूँ, उसमें जितने भी यूटेंसल्स और टूल्स इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो सब मैं आपको दिखा दूँ। तो ये देख लीजिएगा, ये है पिज़्ज़ा कटर। पिज़्ज़ा कटर मुख्तलिफ साइज़ का होता है, ये नॉर्मली जो स्टैंडर्ड हम क्लासेस करवाने के लिए या घर में यूज़ करने के लिए या नॉर्मल आपके बहुत बड़े लेवल पे बेकरी नहीं है तो आप लोग ये वाले पिज़्ज़ा कटर्स यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन मुख्तलिफ स्टाइल में आपको पिज़्ज़ा कटर मिल जाते हैं, तो ये जो आप पिज़्ज़ा कटर यूज़ करते हैं, ये जो टूल है इसको कहते हैं पिज़्ज़ा कटर। अब हम आ जाते हैं हैंड विस्क के ऊपर। हैंड विस्क जो है वो मेरे पास जितने तीन थे मुख्तलिफ साइज़ में, मैंने तीनों रख लिए ताकि मैं आपको बताऊं कि हमारे घरों में मुख्तलिफ साइज़ के विस्क होते हैं। प्रोफेशनली विस्क इस तरह के होते हैं, इसकी ग्रिप बहुत मज़बूत होती है और इसका हैंडल जो है वो बड़ा मज़बूत है, और ये हैवी जो है वो हैंड विस्क है। और इसको जब आप बड़े पैमाने पर के जीज में चीज़ों को मिक्सिंग कर रहे होते हैं, बैटर्स बना रहे होते हैं, तो ये आप जब इसको ग्रिप दे रहे होते हैं इस तरीके से, तो ये जो है वो हिलता नहीं है, ये बड़ी मजबूती से जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बीटिंग करता है। ये है प्रोफेशनल, जो घरों में आम यूज़ होता है वो मुख्तलिफ आपके पास होंगे। ये जैसे इसको मैं हिला भी रही हूँ तो आपको आवाज़ आ रही होगी कि ये हिलता है, इसमें जर्क आता है और इसमें ग्रिप अच्छी नहीं बनती। और ये बिल्कुल नॉर्मली आपने जैसे 100 ग्राम 550 ग्राम से कोई चीज़ बनानी है तो आपको जल्दी से आप उसको मिक्स कर सकते हैं। तो ये है हैंड विस्क, इसको कहते हैं, जिसको हम बेकरी में यूज़ करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं पेस्ट्री ब्रश के ऊपर। तो पेस्ट्री ब्रश जो है वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, आपके पास में भी इन दोनों के अलावा किसी किस्म का पेस्ट्री ब्रश हो तो जो भी ब्रशेस होंगे जो हम पेस्ट्री के काम में यूज़ करेंगे उसको पेस्ट्री ब्रश ही कहा जाता है। ये कलर पेंट वाले ब्रशेस होते हैं, ये भी बहुत अच्छे यूज़ होते हैं आपकी बेकरी में, और इनकी बड़ी चूँकि फ़ाइन इसका हेयर होता है तो ये बड़े अच्छे तरीके से जो है वो पूरी चीज़ को आप बहुत अच्छे से तरीके से एग वॉश कर सकते हैं, या बटर आपने वॉश करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो ये जो टूल है इसको कहते हैं पेस्ट्री ब्रश कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पैचुला। स्पैचुला इसको कहते हैं रबर स्पैचुला। मैंने आपको बताया है कि वुडन जो है वो उसका हैंडल होता है और आगे जो है वो होगा ये रबर का ही, तो ये है, और एक ये है जो सिलिकॉन का है, और ये पूरा जो है ये पूरा इसी तरीके से जो है वो इसका हैंडल भी और ये ख़ुद भी स्पैचुला जो है वो रबर का है। तो इस तरह के मुख्तलिफ स्पैचुलाज आते हैं, इनकी बड़ी अच्छी ग्रिप होती है, ये थोड़े मज़बूत होते हैं आपकी बेकिंग के काम में। कुछ जो प्लास्टिक के हैंडल्स होते हैं वो इतने मज़बूत नहीं होते और वो इतने यूज़ेबल नहीं होते, वो दो तीन दफ़ा के यूज़ के बाद अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में चीज़ें बना रहे हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये बड़े आइडियल और बड़े अच्छे स्पैचुलाज हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं शेफ़ नाइफ के ऊपर। आपने जो नाइफ़ यूज़ करनी होती हैं, बेसिकली जो शेफ़ नाइफ़ मैंने आपको दिखाई है उसका ये वाला डिज़ाइन होता है, इसी को शेफ़ नाइफ़ कहते हैं। इससे थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होगा लेकिन डिज़ाइन ये होगा, ये शेफ़ नाइफ़ इसको कहा जाता है, जो कि हम मुख्तलिफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स मीट वग़ैरह कटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं।
अब आप ये वाली नाइफ्स देख लें, ये मुख्तलिफ डिज़ाइन में नाइफ्स हैं, लेकिन ये भी शेफ़ नाइफ कंसीडर होती हैं क्योंकि इससे हम मुख्तलिफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह जो है वो कटिंग कर रहे होते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं केक बनाने के लिए, हम केक की फ्रोस्टिंग करने के लिए कौन सी नाइफ्स का इस्तेमाल करते हैं। तो केक फ्रोस्टिंग करने के लिए हम पैलेट नाइफ का इस्तेमाल करते हैं या केक फ्रोस्टिंग नाइफ, दोनों नामों से इसको बुलाया जाता है। और वैसे जो पैलेट नाइफ होती है उसमें हल्का सा इस जगह पे कर्व होता है, जो है वो हर बंदा यूज़ नहीं करता, वो स्पेसिफ़िक टाइम में यूज़ किया जाता है। मैं ज़ाती तौर पे वो यूज़ नहीं करना पसंद करती। उससे हमारे उस्ताद हैं एक, वो केक की फ्रोस्टिंग के लिए हमेशा वही वाली पैलेट नाइफ़ यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इस वाली नाइफ़ को जो है वो कंसीडर करती हूँ। जो आपको बताया था कि मुख्तलिफ साइज़ में होता है, अगर मैं बिल्कुल मिनी केक 3 इंचज़ का बना रही हूँ, 5 इंचज़ का बना रही हूँ, तो मेरे लिए ये वाली पैलेट नाइफ, ये वाली केक फ्रोस्टिंग नाइफ जो है वो इनफ होगी कि मैं इससे काम करूँ। इसके बाद जो नॉर्मल केक स्टैंडर्ड साइज़ के बनाती हूँ, ये मेरी पर्सनल नाइफ है, मेरे उस्ताद ने मुझे गिफ्ट की थी। मैं हमेशा बड़ा केक हो छोटा केक हो, मैं इस नाइफ का इस्तेमाल करती हूँ और मैं इसके साथ यूज्ड हूँ। गुज़श्ता 3 सालों से मैं इसी नाइफ के साथ काम कर रही हूँ। ये आपके नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ के 8x8, 10 इंचज़, 12 इंचज़ के केक आप बना सकते हैं। जब आप बड़े केक्स के ऊपर जाते हैं तो इससे भी बड़ी पैलेट नाइफ, केक फ्रोस्टिंग नाइफ्स आपको मिलेंगी, लेकिन ये भी एक ये स्टैंडर्ड से थोड़ा सा बड़ा है। और ये देखें, ये मुख्तलिफ 3 साइज़ में आपको पैलेट नाइफ भी मिल जाएंगे और इससे भी बड़ी आपको नाइफ मिल जाएगी। अब इसके बाद हम ब्रेड नाइफ के ऊपर चलते हैं। तो ब्रेड नाइफ जो है वो मैं आपको दिखा रही थी कि आजकल कुछ ब्रेड नाइफ्स मैंने देखी है, जो मैंने स्टूडेंट्स के लिए मंगवाई थी, उनमें ये जिग जैग नहीं है, वो बिल्कुल प्लेन है, लेकिन वो इस तरह से बड़ी ही नाइफ है। तो आपकी जो ब्रेड नाइफ होती है उसकी निशानी ये होती है, बिल्कुल पतली होती है और उसमें ये जिग जैग जो है ये बने हुए होते हैं, और इससे आप केक के स्पॉन्स काटते हैं, ब्रेड्स वगैरह, बंस वगैरह की कटिंग करते हैं। अब हमारा बड़ा एक इम्पोर्टेंट टूल भी कह सकते हैं, इक्विपमेंट भी कह सकते हैं, ये तो सेल इसमें डलता है, इस वाली मशीन में, तो ये है आपका मेजरमेंट स्केल है, जिसमें आप बेकिंग के लिए जो भी रेसिपी बना रहे होते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको मेजर करते हैं। जब मैं आपको रेसिपी बताऊंगी, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी रेसिपी दूंगी, तो आपके सामने इसमें मैं मेजर करूंगी और इसी तरह आपने भी मेजर करनी है। मुख्तलिफ साइज़ के मेजरमेंट स्केल हो सकते हैं, आपको बताया है, और ये जो है वो स्टैंडर्ड साइज़ का छोटा, नॉर्मली घर में और नॉर्मल आप डेली बेसिस पे क्लासेस करवाते हो तो उसके लिए ये बेहतरीन होता है। अब ये वाला जो मेजरमेंट स्केल है, इसको ये देख लीजिएगा कि इसको इसमें सेल हम डालते हैं, और इसमें जब हम सेल डालते हैं तो इसमें 3 हमारे पास बटन होते हैं जिसके थ्रू हम जो है वो इसको चेक करते हैं और इसको ऑपरेट करते हैं। ऑन ऑफ का बटन है, मोड का बटन है और टेयर का बटन है। जब आप मेजरमेंट स्केल यूज़ कर रहे होते हैं तो आप हमेशा इसमें जो है वो ग्राम्स में मेजरमेंट करते हैं। तो जब मैं इसको ऑन करती हूँ तो ये बिल्कुल 0 होता है, और 0 के बाद जो है वो हम इसमें कोई भी मेजरमेंट बाउल रखते हैं, फिर टेयर करते हैं। ये जब हम अपनी स्पेसिफिकली मेजरमेंट स्केल को कैसे यूज़ करना है, हाउ टू यूज़ मेजरमेंट स्केल, तो उस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि मेजरमेंट स्केल को किस तरह से यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो पार्ट है हमारी बेकरी का, वो होता है बाउल्स। जो बाउल्स होते हैं उनको आप कैसे यूज़ करेंगे, कुछ स्टील के बाउल्स होते हैं, कुछ प्लास्टिक के बाउल्स होते हैं। इस वक्त जो मैं आपको बता रही हूँ ये प्लास्टिक के बाउल्स हैं, और इसके मुख्तलिफ जो हैं वो साइज़ हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना होता है कि हमेशा जो भी बर्तन आप यूज़ करें बेकरी के काम के लिए, वो इस तरीके का होना चाहिए कि उसमें पानी नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ साइज़ के बाउल्स हैं जिसमें आप मेजरमेंट करते हैं, जिसमें आप मिक्सिंग करते हैं, और इन सब बाउल्स को जो है वो आप यूज़ करते हैं। जिस क्वान्टिटी में आप चीज़ बना रहे होते हैं उस हिसाब से बड़ा या छोटा बाउल जो है वो आप यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो जितने भी बाउल्स हैं ये प्लास्टिक के बाउल्स हैं, और प्लास्टिक के बाउल जो हैं वो बेकिंग में बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो ये बाउल्स मैंने आपको दिखाए। अब हम आ जाते हैं स्ट्रेनर, स्टिव जिसको हम कहते हैं, स्ट्रेनर कहते हैं। तो जो स्ट्रेनर है वो मुख्तलिफ साइज़ के होंगे। अगर बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ कोई हमने स्टेन करनी है तो उसके लिए हम टी स्ट्रेनर के तौर पे एक स्ट्रेनर जो है वो अपनी बेकरी के काम के लिए रख सकते हैं। मैदा वगैरह स्टेन करने के लिए कुछ स्ट्रेनर्स हम रखते हैं, लेकिन आपने ये बात का ख्याल रखना है कि ये जो स्ट्रेनर है ये बारीक होना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें मैदा, कोकोआ पाउडर और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह जो है वो स्टेन करना होता है।
अब इसके बाद हम आ जाते हैं रोलिंग पिन। रोलिंग पिन मतलब जिसको हम अपनी ज़बान में अब हमारे हैं इसको बेलन या बेलना कहा जाता है। ये मुख्तलिफ साइज़ में होते हैं और बिल्कुल प्लेन और मार्बल मार्बल के भी होते हैं, लेकिन मैं उनको इतना यूज़ नहीं करती, लेकिन आपके पास है या आप लेना चाहते हैं, आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ये हल्का होता है, ये छोटे काम के लिए, छोटा काम आपने 250 ग्राम मैदे के साथ कोई डो बनाई है उसके लिए या छोटी चीज़ को बेलने के लिए, लेकिन प्रोफेशनली जो मैं यूज़ करती हूँ ये हैवी, मैंने खुद ख़रीदा था जाके अपने पसंद से कि ये हैवी है और इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है और इस बेलने से आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो रोल कर सकते हैं। इसको कहते हैं रोलिंग पिन और इसके भी मुख्तलिफ साइज़ होंगे और हम जब बेकरी में काम करते हैं तो इससे भी डबल साइज़ के बड़े वाले रोलिंग पिन्स होते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं मेजरमेंट स्पून्स के ऊपर। अब ये जो मेजरमेंट स्पून्स हैं इनको अगर आप लोग देखें तो ये मुख्तलिफ साइज़ में हमारे पास अवेलेबल होते हैं, 1/4, 1/8, 1/2, 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून होता है। फिर कप्स आ जाते हैं, 1/3 कप, 1/4, 1/8, 2/3, 3/4 और 1 कप। इस तरीके से 1 कप से शुरू हो के ये जाके 1/8 टीस्पून तक जो है ये कप्स होते हैं और इन कप्स को भी बाज़ चीज़ों में हम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमने सीखा है, जो किताबों में हमने पढ़ा है कि बेकिंग इज़ ऑल अबाउट मेजरमेंट, तो उसके लिए हम लोग जो है वो 100% जो है वो मेजरमेंट स्केल को जो है वो प्रेफरेंस देते हैं, ना कि हम मेजरिंग स्पून्स को प्रेफरेंस दें। लेकिन एक पैमाने पे, एक लेवल पे जो है वो मेजरमेंट स्पून्स और कप्स के साथ काम होता है, तो इनको भी यूज़ करते हैं और ये यूज़ेबल होते हैं। ये एक पूरा सेट होता है जो आपको मिल जाता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि अभी हमने पढ़ा था स्क्रैपर्स। तो स्क्रैपर्स जो है वो हमने पढ़ा था, एक डिज़ाइन वाला स्क्रैपर होता है और एक सिंपल प्लेन स्क्रैपर्स होते हैं। तो आप ये देखें कि ये स्टील का बिल्कुल स्मूथ और ये प्लेन स्क्रैपर है जो केक को स्मूथ करने के लिए काम में लाया जाता है, और ये ऐसा ही स्क्रैपर है लेकिन ये साइज़ में बड़ा है। तो मतलब जो बड़े केक्स होते हैं उनको नीट करने के लिए हम जो है वो बड़ा स्क्रैपर का यूज़ करेंगे स्टील का, और जो नॉर्मल केक्स होते हैं उसके लिए ये वाला स्टैंडर्ड साइज का स्क्रैपर है उसको हम यूज करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिजाइन वाले स्क्रैपर्स। तो जो डिजाइन वाले स्क्रैपर्स हैं उनमें मेरे पास थे बहुत से, लेकिन ये मैंने आपको स्टैंडर्ड जो नॉर्मली डिजाइन के लिए होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये जो है वो मुख्तलिफ डिजाइन के साथ जो है ना वो आप अपने केक को जो है वो मुख्तलिफ डिज़ाइन आप देना चाहते हैं, गनाश के साथ बना रही हैं, क्रीम के साथ, तो इनके साथ आप जो है वो मुख्तलिफ डिज़ाइन अपने केक्स को दे सकते हैं। तो ये डिज़ाइन वाले स्क्रैपर्स हैं और ये नॉर्मल स्क्रैपर्स हैं जिनके आप केक स्मूथ करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नोज़ल्स की। अब ये जो नोज़ल्स है ये तो एक 24 नोज़ल्स का सेट है, इसके अलावा जो खुले नोज़ल्स हैं वो भी मिल जाते हैं। ये देखिए मुख्तलिफ डिज़ाइंस में जो है वो हमारे पास नोज़ल्स होते हैं। इनमें से ये कुछ नोज़ल्स हैं जो मैंने सेपरेटली बाय किए हैं और ये मैंने वैसे इसके अंदर जो है वो रख दिए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बेसिकली जो नोज़ल्स का सेट है वो ऐसे पूरा होता है। ये 24 नोज़ल्स होते हैं, ये मुख्तलिफ डिज़ाइन में जैसे जैसे आप काम कर रहे होते हैं या आप सीख रहे होते हैं वैसे वैसे आपको तमाम नोज़ल्स जो हैं उनको यूज़ करने का तरीका आ जाता है। जो बेसिक पर्पज़ होता है कि आपने पाइपिंग बैग के साथ किस तरीके से जो है वो पाइपिंग करनी है, तो फिर नोज़ल्स का जो है वो मुख्तलिफ आप डिज़ाइन देखते हैं तो आपको पता खुद चलना शुरू हो जाता है। जैसे ये स्टार का नोज़ल है, ये जो भी ग्रास वगैरह आपने निकालना होता है लाइन्स उसके लिए आप इसको यूज़ करते हैं। कोई भी आपने फ्लावर्स वगैरह बनाने होते हैं, पेटल्स बनाने होते हैं, तो उसके लिए 3-4 मुख्तलिफ डिज़ाइन में जो है वो इसमें ये नोज़ल्स आते हैं। फिर राउंड में आपने कुछ भी डिज़ाइनिंग करनी होती है तो उसमें, और फ्लावर्स वगैरह आपने मुख्तलिफ बनाने होते हैं तो उसके लिए ये नोज़ल्स यूज़ होते हैं। ये नोज़ल्स हैं जो केक और पेस्ट्रीज़ के ऊपर जो है वो फ्रोस्टिंग के बाद आप जो है वो डिज़ाइनिंग करते हैं। ये कुछ नोज़ल्स हैं जो बिल्कुल मैंने अलग ख़रीदे हैं और ये आपको साइज़ में बड़े लग रहे होंगे। ये वाले जो नोज़ल हैं ये स्टैंडर्ड साइज़ के हैं और ये अगर मैं नोज़ल्स इनके साथ रखूँ तो ये नोज़ल्स साइज़ में जो है वो बड़े हैं। तो इसको ये चेक कर लीजिए। और अब ये वाले जो नोज़ल्स हैं ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये जैसे रोज़ फ्लावर जो है वो बनाने के लिए इन नोज़ल्स पे जो है वो नाम मौजूद होते हैं, लेकिन ये वाले जो स्पेसिफ़िक नोज़ल्स हैं इनके नाम नहीं मौजूद होते, लेकिन इंटरनेट पर हम देखें तो हमें इन तमाम नोज़ल्स के जो है वो नाम मिल जाते हैं। अब ये वाला जो नोज़ल है ये डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है, इसका 2B इसका नाम है, और ये वाला जो नोज़ल है ये
ये गुलाब का फूल जो है वो बंद फूल जो है वो बनाने के लिए यूज़ होता है, और ये ओपन फूल बनाने के लिए यूज़ होता है। ये 2D नोज़ल है। तो ये मुख्तलिफ नोज़ल्स हैं, इसके अलावा रशियन नोज़ल्स होते हैं, और मुख्तलिफ जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे काम करते जाते हैं वो आपको मज़ीद जो है वो चीज़ों का पता चलता जाता है। कि इस तरह नोज़ल का सेट आप ले लें अलग लेने के बजाय, तो वो बहुत मुनासिब और बहुत बेहतर रहता है कि आपके पास वैरायटी भी आ जाती है। अब हमने नोज़ल्स की बात की तो हम पाइपिंग बैग्स की बात कर लेते हैं। पाइपिंग बैग्स में एक सिलिकॉन के रबर वाले पाइपिंग बैग्स आते हैं, और एक जो पाइपिंग बैग्स होते हैं वो डिस्पोजिबल पाइपिंग बैग्स होते हैं। तो इस वक्त मैं जो प्रेफरेंस देती हूँ जब, या जो मैं यूज़ करती हूँ, वो होते हैं डिस्पोजिबल पाइपिंग बैग्स। तो डिस्पोजिबल पाइपिंग बैग्स में भी 3 से 4 साइज़ आते हैं, और उस हिसाब से जितना आपको जिस तरह का काम करना होता है उस तरह का आप पाइपिंग बैग ले सकते हैं। तो ये जो पाइपिंग बैग है, ये देखिए, ये नॉर्मल स्मॉल साइज़ का है, इसके ऊपर आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा। ये पूरा पैकेट होता है, और इसमें एक पैकेट में जो है वो 100 पीसीज होते हैं। जैसे ये वाला पैकेट अभी मैंने नहीं खोला, तो ये जो है वो मीडियम साइज का, जो स्टैंडर्ड साइज का पाइपिंग बैग होता है ना, ये वो वाला साइज है, और ये वो वाला बैग है। अब इसी का जो है वो स्मॉल साइज़ है, वो ये है जो हम पाइपिंग ड्रिपिंग के लिए, और मुख्तलिफ अगर छोटे मिनी केक्स हैं तो उनके लिए हम ये वाले पाइपिंग बैग्स यूज़ करते हैं जो स्मॉल हैं। अब इसके बाद जो है, ये मैं एक बड़ा आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये मीडियम साइज़ का पाइपिंग बैग होता है, जिसमें आप प्रॉपर जो है वो नोज़ल डालते हैं। और नोज़ल किस तरीके से डालते हैं कि आपने पाइपिंग बैग को जो है वो इस तरीके से खोलते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो आपने कोई भी नोज़ल यूज़ करना है वो आप इसके अंदर डाल देते हैं इस तरीके से, और फिर आपने कोई भी क्रीम डालनी है, जो भी आपने पाइपिंग करनी है वो आप डालते हैं, और फिर आप इसको आगे से सीज़र से कट करके तो फिर जो है वो आप पाइपिंग कर लेते हैं। तो ये पाइपिंग बैग्स यूज़ होते हैं। अगर आप इसको रीयूज़ करना चाहते हैं, अगर ये फटा नहीं है, आपने थोड़ी सी देर के लिए काम किया, तो आप इसको वॉश करके एक ही दिन में अगर आपने यूज़ करना है तो आप 2-3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक ही दिन में अगर आपने यूज़ करना है तो आप वॉश करेंगे और फिर आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो ये अभी हमने जो डिस्कस की वो पाइपिंग बैग्स थे, और ये डिस्पोजिबल पाइपिंग बैग्स मैंने आपको दिखाए। अब इस वक्त जितने मेरे पास टेबल पे चीज़ें हैं उनमें 2 चीज़ें रह गई हैं जो मैंने आपको दिखानी है। एक ये है सिलिकॉन मैट, इसको कहते हैं, ये देखिए, ये रबर का होता है, ये सिलिकॉन मैट है, ये देखें, आपको आवाज़ आ रही होगी। अब ये किस काम के लिए होते हैं? जब आप डो बना रहे होते हैं, बेलन रोलिंग पिन से कुछ चीज़ को रोल कर रहे होते हैं, तो आप उसके लिए ये जो है वो यूज़ करते हैं, सिलिकॉन मैट यूज़ करते हैं। और ये जो सिलिकॉन मैट होता है, इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो ये मुख्तलिफ साइज़ में आता है। जैसे ये मीडियम साइज़ है, इसमें स्मॉल साइज़ भी आपको मिल जाएगा, इसमें आपको लार्ज साइज़ भी मिल जाएगा, और सिलिकॉन मैट में आपको राउंड में भी मिल जाएगा। और ये इतना अच्छा है कि आपको ये साथ साथ बताता भी जाता है कि आपने कितने सेंटीमीटर तक अपनी डो को बेल लिया है, या कोई भी फोंडेंट वर्क आप कर रहे हैं तो आपने कितना उसको बड़ा करना है, आपके पास जो साइज़ है उस हवाले से जो है वो आपको ये गाइडलाइन भी साथ साथ प्रोवाइड करता रहता है। एक चीज़ जो है वो और है, वो है ये, इसको कहते हैं आइसक्रीम स्कूपर कहते हैं। और ये जो आइसक्रीम स्कूपर है, ये बेकिंग में थोड़ा इसलिए भी काम आता है कि मुख्तलिफ कुकीज़ वगैरह हम बनाते हैं तो उसके हम स्टैंडर्ड साइज़ या मीडियम, या जैसे ये बड़ा वाला आइसक्रीम स्कूपर है, तो इसके साथ जो है वो हम मुख्तलिफ साइज़ में जो है वो अपनी कुकीज़ वगैरह बना सकते हैं। और आइसक्रीम्स भी बेकरीज़ में बनती हैं, तो जब आप आइसक्रीम्स बनाते हैं तो उसको भी जो है वो स्कूप्स रखने के लिए, और मुख्तलिफ मोल्टन लावा केक के ऊपर आप जब आइसक्रीम डाल रहे होते हैं तो उसके लिए भी आपको स्कूपर की ज़रूरत पड़ती है। एक चीज़ जो मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ यहाँ पर रखना, वो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको इन्हीं चीज़ों के साथ बता दूँ, और वो है ये मैट है, जो कि इसको कहते हैं बेकिंग मैट है, ये सिलिकॉन का, और इसके ऊपर आप मुख्तलिफ कुकीज़ या कोई भी चीज़ आपने बेक करनी होती है तो आप इसके ऊपर रख के बेक कर लेते हैं। तो
बेसिकली ये जो मेरे पास ट्रे है ये तो मैक्रोन्स की स्पेसिफिक ट्रे है, क्योंकि मैक्रोन के स्टैंडर्ड साइज़ का जो है वो इसके ऊपर सिंबल्स वगैरह बने हुए हैं कि आपने किस लेवल पे जो है वो मैक्रोन्स को बेक करना है। लेकिन अगर मैं इसी को बैक साइड पे करके रख के इसके ऊपर कुकीज़ वगैरह बेक करूँगी तो ये जो है वो नॉर्मल बेकिंग ट्रे हो जाएगी, और जब मैं इसको इस तरह यूज़ करूँगी तो ये मैक्रोन्स के लिए यूज़ हो सकती है और इसके अलावा भी बिस्किट्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ हो सकती है। ये जो साइज़ है ये स्टैंडर्ड मैक्रोन्स का साइज़ है, और इस तरफ से ये सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन का मैट है। जब आप इसको यूज़ करेंगे आप इसको धोएंगे और इसको धो के रख देंगे। अभी मैंने आपको बिल्कुल बेसिक यूटेंसिल्स जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल वाले वो मैंने आपको बताए हैं। अब मैं फर्दर आपको जो है वो बेकिंग के मोल्ड्स वो बताऊंगी, ट्रेज बताऊंगी, और आप उनको किस तरीके से जो है वो उनके इंचज वगैरह हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने कितने इंचज के हैं, और जब हम रेसिपी बनाएंगे तो आपके लिए वो भी आसानी होगी कि जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो किस मोल्ड में बन रही है, आपने उसको डबल करना है तो आप उसको किस तरीके से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अभी जितने भी यूटेंसिल्स के बारे में हमने पढ़ा है उसकी आपको समझ आई होगी, और इसको आपने एक दफ़ा दोबारा से देखें, साथ दो दफ़ा देखें, तीन दफ़ा देखा करें ताकि आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। इस हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई यूटेंसिल जो इस वक्त हमने डिस्कस किए इनमें से किसी यूटेंसिल की अगर आपको समझ ना आई हो तो आप वो भी सवाल कर सकते हैं, और आप अपने सवाल ग्रुप में लिख दीजिए, उसके लाइव या ग्रुप में जो है वो मैं उसके आंसर दे दूँगी। इंशाल्लाह आज की प्रैक्टिकल क्लास से इतना ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।